नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपाक्स की भूमिका खुलकर भले ही संशय बरकरार है, लेकिन यह तय है कि स्वर्णों के वोट काटने में यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। SC ST एक्ट के खिलाफ स्वर्णों के भारत बंद में सपाक्स ने अघोषित समर्थन देकर इसका आगाज पहले ही कर दिया है, लेकिन इसी के साथ आरोप लग रहे हैं कि सपाक्स भाजपा की बी टीम की तरह चुनाव में काम करेगा ताकि कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले स्वर्णों को रोका जा सके। गौरतलब है कि स्वर्ण आंदोलन का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में ही देखने को मिला था, जिसके पीछे सपाक्स के अघोषित समर्थन को मुख्य कारण बताया जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से सपाक्स यानी सामान्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण समाज, सवर्ण और गैर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए संघर्ष करता चला आ रहा है। ऐसे में स्वर्णों के भारत बंद आंदोलन के जरिए उसने अपनी राजनीतिक भूमि भी तलाशने का काम शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो भाजपा ने सपाक्स के लिए फंडिंग की है ताकि भाजपा से दूरी बना रहे सवर्ण नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में जाने से रोका जा सके। भाजपा से दूरी बनाने वाले ये सवर्ण नेता सपाक्स से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इससे कांग्रेस और अन्य सहयोगी पार्टियों की नींद हराम है, क्योंकि सपाक्स के जरिए भाजपा सवर्ण वोट बैंक को रोक रखने में सफल हो सकती है। सपाक्स पहले ही कह चुका है कि वह राजनीतिक दल बनाकर मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अतः यह माना जा रहा है कि इसके जरिए भाजपा सवर्ण नेताओं को साधे रखेगा। इसलिए अनुमान है कि भाजपा के बागी सवर्ण नेता सपाक्स से चुनाव लड़ सकते हैं, जिनसे भाजपा को भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो तब कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। इसलिए अभी से कहा जाने लगा है कि सपाक्स भाजपा की बी टीम की तरह काम करेगी और स्वर्णों को कांग्रेस में जाने से रोकने के लिए भाजपा की मदद करेगी। जहां तक सपाक्स के सक्रिय होने का सवाल है, तो बताया जाता है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अजाक्स के मन से ये घोषणा की थी कि उनके रहते कोई माइका लाल प्रमोशन में आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, उसी के बाद सपाक्स के अनेक सदस्यों ने खुद को माइका लाल बताते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली थी। इसी बीच सवर्णों के भारत बंद में सपाक्स ने अप्रत्यक्ष रूप से जो भूमिका निभाई, उससे यह संदेश गया कि वो अब राजनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत करेंगे और आगे की रणनीति पर काम करेंगे। इससे विडंबना कहें या महज संयोग कि मध्य प्रदेश में जाति आधार पर बनाए गए सरकारी कर्मचारी संगठनों को सरकारी मान्यता मिली हुई है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी, तब अनुसूचित जाति और जनजाति के सरकारी कर्मचारियों का संगठन अजाक्स बनाया गया था। इसके बाद पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों ने अपाक्स बनाया और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में सपाक्स की नींव रखी गई। फिलहाल इस बुलेटिन इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।